1 2 3 4 ये पटना चॉकलेट बॉम्ब मैं पटना में पहली बार खा रहा हूँ। इसके बेस में एक कैंडल लगा है। गालियां दे रही थी अंदर से कि कहाँ ले जा रहे हो। एंजॉयमेंट किसको कहा जाता है ना, वो इनसे कोई पूछ ले। ये देखो भाई, पटना में गर्मी हो रही है यार, बहुत जबरदस्त वाली। गया से भी ज़्यादा गर्मी मुझे लग रही है कि पटना में पड़ रही है। वेलकम बैक टू द चैनल, और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। पटना लौट चुका हूँ और आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम लोग जैसे ही पटना लौटे तो लग रहा था ऐसा ही किसी चीज़ का इंतजार हो रहा था कि कैसे बाहर जाना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि हम लोग तो थे नहीं। देखते हैं कहाँ फिर निकलते हैं हम लोग और कुछ हैंग आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यार गया वाली गर्मी के बाद अब पटना की गर्मी को फील करने का वक्त आ चुका है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। इनको लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, चला जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा, धूप भी एकदम खतरनाक वाली हो रखी है। चले, जब घड़ी में हो चुके हैं 3:30 और देखिए गर्मी कितनी ज्यादा है, हालत खराब हो रखी है। और गर्मी जब ज्यादा होती है ना तो एक ही चीज दिमाग में आती है, या तो सुबह निकलो या तो एकदम शाम को निकलो। हम लोग सोचे कि 3 बज जाएगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट नहीं यार, लग रहा है इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि मार्च के फर्स्ट में धीमी धीमी ठंडी तो रहती है ना, और ये हालत हो रखी है अभी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेली रोड में, और ये सीधा रास्ता बोरिंग रोड निकल जाता है, लेकिन यार पटना कोई भी ऐसा कोना नहीं होगा ना जहाँ पर ट्रैफिक नहीं लगा हो। और ट्रैफिक और ज्यादा समझ में आने लगता है ना जब धूप बहुत कड़ी होती है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं सगुना मोड़, और यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, उसका नाम वहाँ पर पहुँच कर आपको बताता हूँ। नाउ वी आर हियर द चॉकलेट रूम। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, धूप में तुम्हें खराब नहीं किया। सो दिस इज द चॉकलेट रूम। अभी हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस तरह से बेजोड़ स्वागत, क्या बात है। ये जो प्लेस है ना चॉकलेट रूम, लिटरली मुझे इसका इंटीरियर इतना ज्यादा पसंद आया कि अंदर शहनाज बैठी है अभी और मैं इसको बाहर से आकर के डिस्क्राइब करने पर मजबूर हूँ। पहले मैं लोकेशन अगर आपको बता दूँ तो बिल्कुल सगुना मोड़ के पास ही है, और यहाँ पर आप आकर के एक वो वाली वाइब फील कर सकते हो ना जो अल्टीमेट है भाई। अगर आप आउटडोर फील करना चाहते हो ना इस वाला इन्वायरमेंट को लेकर के, रोड साइड का मजा लेते हुए, तो यहाँ पर आप बैठ सकते हो, एक अलग सा चिल मिलेगा आपको। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, और इन्जॉयमेंट किसको कहा जाता है ना, वो इनसे कोई पूछ ले। ये देखो भाई, इस तरह का इंजॉय किया जा रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ का इंटीरियर आपको अंदर से बहुत अच्छा महसूस करा था। हाउ यू फील यहाँ पर बैठ? धूप भी बहुत तेज थी। हम लोग तो गर्मी वाले हैं यार, कभी पहाड़ पर, कभी गंगा, कभी नदी, पता नहीं क्या, बट इनको ज्यादा गर्मी लगती है। खतरनाक वाला डिजाइन है। अंदर आने के बाद एक वाइब मिलती है आपको जहाँ पर सब कुछ, एवरीथिंग, जो कुछ भी आप सोचते हो ना, टेंशन होता है दिमाग में, उसको निकाल दो, यहाँ पर आओ, चिल करो आराम से। कोई है साथ में तो भी सही है, नहीं है तो फिर अपनी तनहाई साथ है, वो भी यहाँ पर बैठ के तो भी चिल कर सकते हो आप लोग। अभी बताओ, बहुत मुझे गालियां दे रही थी अंदर से कि कहाँ ले जा रहे हो। कैसा लग रहा है अभी आकर के? बाकी में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रिलैक्स फील कर रही हूं मैं। अच्छा अच्छा, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। अभी टेस्ट कर लिया था भाई, इसको कहते हैं लाइव सब्सक्राइबर काउंट, आपने देखा है क्या? देखो भाई, अभी 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 जस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लिया भाई, और अभी ये मटर गश्तियन हो गया झूला झूलते हुए। कैसा फील होता है यहाँ पर? परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट
बहुत सही जगह, यहाँ का फूड बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जब भी टाइम मिलता हम यहीं पे आते हैं। क्या बात है यार, इतना अच्छा फीडबैक, मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे आने की मतलब इतना बार आ चुके ना यहाँ पे। चलो यार, बहुत बार आया। ओके, नाइस टू मीट यू। मैम आप फर्स्ट टाइम आई हैं कि इससे पहले आ चुके? बहुत बार आ चुके, बहुत बार। मतलब मेरा ही फर्स्ट टाइम है यार पटना में, मैं ही फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्या हुआ? मैं इसको देख रही हूँ। इसको देख रही हूँ, ये गिफ्ट है पता है मुझे, पर बहुत अच्छे से इसको सजाया गया है ना, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट है ना। इसका जो मेन्यू है ना वो आपको पहला इंप्रेशन देता है। इंप्रेशन में दिखा रहा हूँ क्या, तो चॉकलेट रूम लेंगे, उसके नीचे आपको मिल जाएगा 11 कंट्रीज, उसके बाद 20 स्टेट्स, 50 सिटी एंड 300 कैफे, जिसमें कि ये जो कैफे है पटना में भी। तो आप समझ लो कि इंप्रेशन क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देखो अब जब इस पिटारे को खोलते हैं इसके अंदर क्या है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा हॉट चॉकलेट्स, उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। जब इधर आना तो आप मेनू खोल के पूरा देख, जो जो मैं ऑर्डर करूँगा ना उसका रेट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब सबका पॉसिबल नहीं भाई, इतनी मोटी किताब में सबको बताना, ठीक है। मिल्क बार्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपको कॉकटेल्स मिल जाते हैं, कॉफीज मिल जाती है, टी मिल जाता है, फ्रोजन कॉफी मिल जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्राइज, स्पैगेटी मिल जाती है, बर्गर मिल जाता है, रोल मिल जाता है, मैगी मिल जाता है, क्या क्या खाओगे, पिज्जा मिल जाते हैं आपको। तो सबसे पहले कुछ पीने के लिए ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और मैं तो जब से बराबर से लौटा हूँ तब से मेरी हालत खराब है, गया से लौटने के बाद खांसी हो रही है, तो मैं कुछ हॉट मंगाऊंगा और ये मंगाई कोल्ड। दिस इज अ हॉट चॉकलेट्स एंड दिस वन इज टिरामिसू चॉकलेट्स। हमने जो ऑर्डर किया था ना वो इधर आ चुके हैं। सबसे ज्यादा स्पेशल मेरा है, इसका कम है, मैं दिखा रहा हूँ क्या है। मैं स्पेशलिटी दिखाता हूँ क्या है जो मैंने ऑर्डर किया, वार्मिंग मग। सबसे पहले तो आप इसको ऊपर से देख लो, और इसके अंदर जो चीज है ना, जो इसमें ज्वाला भड़का रही है वो मैं दिखाता हूँ। इसके बेस में एक कैंडल लगा है जो कि इसको और भी ज्यादा खूबसूरत कर देता है। कोल्ड चॉकलेट, फिर अपना कोल्ड चॉकलेट दिखा। बहुत यम्मी है, नहीं वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत टेस्ट है, अच्छा। इसको चम्मच से भी खा सकते हो। ये मेरा हॉट वाला और इनका कोल्ड वाला दोनों चल रहे हैं, और देखते हैं टेस्ट करके। मतलब जब मुंह में जाता है ना टेस्ट, तो ऐसा लगता है एक ब्लास्ट हुआ चॉकलेट का, काफी अच्छा है। मैंने बोला था ठंडा नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे को ठंडा ज्यादा अच्छा लग रहा है। रेट बहुत जरूरी है भाई साहब जानना, जो मैं पी रहा हूँ वार्मिंग मग वो आपको 199 का मिलेगा, और जो मैम पी रही है उसका 229 यानी कि 229 का। खाने के लिए ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, तो हमने ऑर्डर किया है चिकन स्पैगेटी जो कि 319 की है, और एक ऑर्डर किया है हम लोगों ने चिकन लजांगा जो कि 399 का है। तो हम लोगों का पहला ऑर्डर आ चुका है चिकन स्पैगेटी। इसको पहले तो ये आप देख लो, भैया बता रहे थे कि इसका टेस्ट नूडल से बिल्कुल अलग होता है, देखने में तो नूडल जैसा ही है बट देखते हैं कैसा टेस्ट। ये थोड़ा सा हार्ड है, नूडल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बट अच्छा है। जाहिर सी बात है कि जब कोई कैफे में आया तो खाने के लिए आए होंगे, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है जब आप किसी जगह पर जाते हैं और आपको वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो वहाँ का टेस्ट इन्वायरमेंट की वजह से और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ का जो एम्बियंस है वो आपको इतना पसंद आएगा कि टेस्ट और भी ज्यादा निखर करके आएगा। ये जो स्पैगेटी हम लोग खा रहे हैं नूडल से बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं पटना में पहली बार खा रहा हूँ, अगर कहीं और मिलता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो भाई अभी क्या है ना कि स्पैगेटी हो गई खत्म, और सीरियसली मानो मतलब हाथ दे यार, मैंने क्या, मुझे तो भूख लगी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने ही खाया, इन्होंने भी खाया। और अपना लदांगा, लदांगा नेम बहुत डिफिकल्ट है, लदांगा, लेकिन वो आ चुका है अभी। अब इसको टेस्ट करने जा रहे हैं, नाम मेनू में पढ़ लेना, मुझसे समझ में नहीं आ रहा, प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे। बहुत सारा टेस्ट एक साथ, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, मुंह में एकदम माउथ बटरिंग है भाई। हर एक चीज अवेलेबल है, स्नैक्स से लेकर के आपको चॉकलेट शेक्स वगैरह, कॉफ़ी कोल्ड हॉट जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन यहाँ के केक्स भी बहुत स्पेशल है। ज्योति मैम क्या क्या स्पेशल है आपके, कौन कौन से केक है और कैसे केक बनाते हैं आप? हमारा अपना बेकरी है, और यहाँ पे आप मतलब चॉकलेट रूम का अपना बेकरी, अपना बेकरी। ओके, आप हमें 10 मिनट का टाइम दोगे, एक केक चाहिए जो फ्लेवर आपको, मतलब मैं अगर कहीं जा रहा हूँ सपोज इधर से गुजर रहा हूँ, हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि किसी के लिए कोई केक लेके जाऊँ, 10 मिनट में आप मुझे दे दोगे? बिल्कुल। ये जो आपका क्या ना अंदर में आपका बेस ज्यादा है केक का, जो ब्रेड मटेरियल आप बोल रहे हो, और ऊपर से ये पूरा चॉकलेट की लेयर है, चॉकलेट चिप्स है, ये डच डफल है और ब्लैक फॉरेस्ट केक है, बहुत सारे केक्स हैं आपके, व्हाइट फॉरेस्ट केक भी। आप जो भी टेस्ट आप बोलोगे 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। दिस इज द चॉकलेट बॉम्ब, बॉम्ब इसका नाम ही बॉम्ब है, अभी फटेगा, अभी ये चॉकलेट बॉम्ब के ऊपर एक और चॉकलेट गिर गया और ये अभी फटेगा। अरे वाह, वाह यार, लुक एट दिस यार, ये फटा चॉकलेट बॉम्ब, ये अलास्का पे अफ्रीकन वॉर, और ये देखो
ये अंदर से निकला चॉकलेट अल्टीमेट है, अल्टीमेट। मैं बस यही कहूंगा ना, एक बार आप द चॉकलेट रूम आओ यार और आके खुद देख लो, मेरे बोलने पे शायद यकीन मत करना, बट एक बार आप आ करके टेस्ट कर लो, टेस्ट करोगे फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है द चॉकलेट रूम। एक बार ज़रूर आओ आप, जब आओगे ना उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके रिव्यू देना, तब मैं समझूंगा कितना बेस्ट है। ओ भाई ये क्या, इन्होंने ना सरप्राइज दिया, देखो इतना बड़ा क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। पुलअप केक। पुलअप केक, ओके। कैसे पुल करते हैं इसको? 1 2 3 4 5 ओ भाई साहब, ये इतना खूबसूरत है कि काटने का मन नहीं जा रहा। मेरा तो फर्स्ट टाइम देखा है सर। तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, मैं कौन सा देखूँ। हम लोगों ने यहाँ पे हर एक चीज ट्राई की है, ड्रिंक से लेकर के केक और उसके बाद बॉम्ब और उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी मिसाइल है। इस बीच मैं चाहता था कि आपको इंट्रोड्यूस कराऊं यहाँ की जो ऑनर है ज्योति मैम, क्योंकि जिस दौर में हम लोग हैं इस दौर में सभी आगे निकलने की होड़ में लगे। इस बीच अगर कोई महिला अगर इस तरह का कोई चीज करती है, कोई नया कॉन्सेप्ट लाती है, तो भाई फर्ज बनता है हमें सपोर्ट करने का। आप एक सेंटेंस बताइए कि लोग यहाँ पर क्यों आए। एक तो इतनी लाइफ भागदौड़ वाली हो गई है ना कि लोगों की इच्छा होती है कि थोड़ा शहर से दूर चलो, थोड़ा सा शांति में बैठें, दो पल सुकून के बिताएं, तो उसके लिए तो मैं कहूँगी कि बेस्ट जगह है। और कुछ अच्छा खाएं। और कुछ अच्छा खाएं। बिल्कुल, तो चॉकलेट रूम चले आए। चॉकलेट रूम चले आए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और ज्योति मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छे से इस्तकबाल हुआ हमारा। हम लोगों को भी सुकून के दो पल चाहिए होंगे तो हम लोग यहाँ जरूर आएंगे। भाई देखो ऐसा है ना कि महिलाएं मिल गई और सुकून हो रहा है इधर, मुझे समझ में आ नहीं रहा। चलो अब मिलते हैं आपको भाई साहब नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।